चाय बनाना, चाय 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 चाय। Hey guys, it's me Sachin and welcome to the new vlog. तो फाइनली रेलवे स्टेशन आ गया हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था घर पे बैठे 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 और लॉकडाउन के बाद से मैंने ट्रेन की जर्नी नहीं की थी। आज मैं रेडी होकर निकला हूँ, प्लीज़ कपड़ों में मत जाना क्योंकि मैं वही पहन के निकल गया जो मैंने पहन रखा था क्योंकि अभी ट्रेन में मैसी मैसी हो रही है। तो अभी निकला हूँ और मैं बताऊँगा अभी आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ और इसी बहाने ट्रेन की एक जर्नी हो जाएगी। तो चलिए देखो सामान वगैरह सब यहाँ रखा हुआ है और ट्रेन मेरी लगने वाली है, S7 कोच है। अभी देखते हैं कितनी देर में आती है कितनी देर में नहीं, बाकी ट्रेन में बैठने के बाद दिखाता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और थोड़ा छुट्टियाँ बिताने जा रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, अंदाजा हो जाएगा आपको शायद। तो चलिए देखते हैं ट्रेन में कितना टाइम लगता है आने में। गाइस फाइनली अपनी ट्रेन लग चुकी है, मैं सीट ले चुका हूँ 65 नंबर की सीट थी S7 में। तो अब तो बस सोना है जाके और बस आराम और सुबह जाके हम पहुँच जाएंगे। तो फाइनली बता दूँ मैं जा रहा हूँ बनारस, क्योंकि मैं हर सर्दियों में जाता हूँ तो इस बार भी जा ही रहा हूँ। तो बस यही था मेरा सस्पेंस, बाकी वहाँ जाके देखेंगे अभी क्या हाल है क्या नहीं। चाचा ने नया घर बनवाया तो वहाँ भी घूमेंगे, बाकी बनारस की सिटी में भी जाएंगे तो इस बार सोच रखा है काम करके ही आएंगे वहाँ से। चलिए सुबह मिलते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग, फाइनली सुबह हो चुकी है और लगभग अभी 8:30 बज रहे हैं और जितना सोचा था उससे ज़्यादा ठंड थी हाथ में, भाई साहब हालत ख़राब हो गई। तो ठीक है, रोने वगैरह के लिए लाया था, वैसे मैं स्लीपर कोच में इस बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ठंड पता चली, अदरवाइज़ फ्लाइट एसी वगैरह में नहीं पता चलती, बट इस टाइम मज़ा आता है लोगों में ठंड झेलने में। तो अभी बात की जाए तो ट्रेन लगभग 4 घंटे लेट है और कानपुर से जस्ट अभी निकले हुए हैं और जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही ओस है क्योंकि दिल्ली में यार ओस वगैरह नहीं पड़ रही थी, बट यहाँ पर नेचुरल है और वहाँ तो धुआं रहता है तो नेचुरल ओस पड़ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मतलब यहाँ पर कितनी ओस पड़ रही है और ये तो कैमरे में थोड़ा कम विजुअल हो रही है, नेकेड आई से बहुत ज़्यादा दिखता है। ये देखिए भयंकर। तो राइट नाउ अभी बनारस पहुंच गया हूं और यहां से मेरे को कैंट जाना पड़ेगा ऑटो लेके, तो अभी ऑटो लेते हैं और फिर उसके बाद मेरे को बाबतपुर के लिए मेरे को बस लेनी पड़ेगी। तो जाते हैं भाई देखते हैं, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था और सडनली चेंज होके कुछ और हो गया, तो इसलिए अभी निकल रहे हैं। मेरे को बस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं चाचा के साथ जाता अगर मैंने उन्हें पहले इन्फॉर्म किया होता। तो चलिए सबसे पहले ऑटो लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गए, अभी बाबतपुर आ चुका हूँ मैं और यहाँ से जा रहा हूँ घर, चाचा ने पिक कर लिए हुए और तो चलिए चलते हैं। गाना मैं बजाऊँगा। तो फाइनली गाइस मेरे को जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया और ये सफ़र मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा रहा क्योंकि कल मैं 9 बजे का निकला हुआ हूँ घर से और आज शाम के अभी बज रहे हैं लगभग 5:30, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ट्रेन भी डिले थी और उसके बाद फिर मेरे को मतलब ट्रेन से उतरने के बाद मेरे को ऑटो लेना पड़ा, फिर बस लेनी पड़ी, फिर उसके बाद मेरे को पिक किया। तो अभी आ चुका हूँ मैं और आते ही बाज़ार में मज़े लिए, फास्ट फूड खाया थोड़ा, यहाँ के गोलगप्पे और चाट वगैरह है
खा पी के मस्त घर बैठा हूँ आके चाय वाय पी, और जैसे अभी बाइक भी चला के आ रहा हूँ तो समझो मज़े ही आने वाले हैं कुछ दिन आगे। तो चलिए इसी के साथ यार इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये छोटा सा ब्लॉग। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।